नमस्ते दोस्तों, आर्ट फॉरेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये रोज़ बनाना बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाहे आप इसे वुलन स्वेटर में डालो या शॉल में डालो या फ्रॉक पे कहीं भी, या फिर इसे टेबल क्लॉथ में भी आप लगा सकते हो। ये चाहे जैसे भी इस्तेमाल करो, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्रोशिया और ऊन। आप चाहो अपनी मर्जी के कलर पसंद कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो मैंने ये लिया है टू फ्लाई के ऊन और इसे मैं बनाना अब स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने ये इस तरह से पहला फंदा लगाया है ये, उसके बाद इसे खींच के टाइट किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 लिया है मैंने। चाहो तो आप इससे छोटे लोगे तो आपको इससे छोटे साइज का फ्लावर बनेगा। फिर जहाँ से शुरू होता है ना, वहीं पे फिर हम इसे करेंगे और फिर इसे ऐसे सर्कल शेप में बना लेंगे। अब इसे ये सर्कल बन गया। इसके बाद फिर हम इसमें 3 चेन लेंगे, 1, 2 और 3, यानी ये 3 चेन लेने के बाद फिर एक फंदा लेना है इसमें और फिर इसके बीच से बाहर लाना है। ये बॉक्स बनता चला जाएगा। फिर यहाँ पे गैप रखेंगे 3 चैन का, 3, फिर यहाँ से 4 लेना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें चारों तरफ से पूरी तरह से सर्कल बना लेना है, बॉक्सेस बना लेने हैं पूरे सर्कल में। ये अब सारे बॉक्सेस बन के रेडी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बना है टोटल। अब इस जहाँ से चेन शुरू हुआ था वहीं इसको ला करके ज्वाइंट करना है बिना फंदा लिए हुए, ये इस प्रकार से। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये बन जाने के बाद फिर हमें ये देखना है कि इसके आगे का स्टेप कैसे करें। तो यहाँ पर फिर से 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। उसके बाद एक फंदा लेने के बाद फिर से बाहर निकालते हुए फिर एक चेन एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर डबल लेना है यहाँ, यानी कि इस तरह से 1 एंड 2। उसके बाद फिर से इन करते हुए फिर यहाँ एक बार बाहर निकाला, फिर 2 और 1, 3। तो ये इससे थोड़ा लंबा बनेगा। फिर एक सिंगल चेन लेना है, तो फिर से डबल फंदे का एक बनाना है, 1, 2। यहाँ फिर एक चेन लेना है, फिर डबल नहीं बल्कि सिंगल फंदा ही लेना है यहाँ पर, ताकि इस जो पंखुड़ी बनेगी हमारी उसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी, ये इस तरह से। फिर इसे थोड़ा छोटा करेंगे, अब इसमें ये हमें देखना है कि ये 2 का जो बीच का लंबा है ये डबल फंदे का है और ये दोनों सिंगल का है, यानी टोटल यहाँ बना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना है। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में हमें जाना है, तो इस यहाँ फिर एक चेन लेंगे और बिना फंदा लिए हुए और यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में हम लोग इन करेंगे। अब नेक्स्ट लेयर के लिए हमें यहाँ से एक चेन ले लेना है और ये देखिए, जहाँ हमारा सर्कल शुरू हुआ था, जहाँ बॉक्स बने थे, वो यहाँ पर से जो बने हुए हैं यहाँ हम क्रोशिया को इन करेंगे नीचे से
ऊपर की ओर और फिर इसे यहाँ जॉइंट करेंगे। फिर उसी तरह से बॉक्स बनेगा इसके ऊपर और लेयर बाय लेयर ऊपर आता जाएगा और हमारा रोज तैयार होते चले जाएगा। फिर यहाँ लेते हैं 3 चेन लेना है, 1, 2, 3। उसके बाद ये देखना है कि हमारा ये 7 बना है तो ऊपर एक एक घटते जाएगा। जैसे यहाँ जब 7 पंखुड़ी बना है, 7 पंखुड़ियाँ हैं, तो फिर ऊपर में हमें 6 लाना है, फिर 5 लाना है, ऐसे करते हुए ऊपर चलते जाना है। तो पहले हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें बिना फंदे लिए हुए, इसमें ये इस तरह से बनेगा। फिर 1, 2 एंड 3। फिर इसके अंदर यहाँ से अंदर लाना है और यहाँ से निकालते हुए इसको इस तरह से करना है। फिर 1, 2 एंड 3। इसके बाद देखिए ये हमारा 6 बॉक्स यहाँ पे तैयार है। फर्स्ट में ये यहाँ 1, 2, यहाँ देखिए 3, 4, 5 एंड 6। ये इधर से ऐसे दिखेगा, ये देखिए ये रेडी हो गया। उसके बाद सेकंड लेयर के लिए फिर हमें सेम स्टेप करना है जो हमने यहाँ किया था। यहाँ 3 लेना है, उसके बाद फर्स्ट बॉक्स में इन करते हुए बाहर लाना है, फिर 1 चेन लेना है, फिर यहाँ डबल फंदा लेना है, सेम फर्स्ट राउंड में जितना था सेकंड में भी सेम ही होगा। तो दूसरा लेयर भी तैयार हो गया है, देखिए ये पहला और ये दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड लेयर यहाँ तैयार करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि नीचे से जो ऊपर का भाग होगा एक कम होता चला जाएगा। यहाँ 7 था, यहाँ 6 हुआ, यानी ये 7 था, ऊपर 6 हुआ, फिर यहाँ फिर से अभी बनाएंगे वहाँ 5 होगा। तो बिना फंदा लिए हुए हम पहले यहाँ इसको लॉक करेंगे। यहाँ से एक देखिए ये निकाला मैंने, फिर इसे यहाँ 3 चेन लेते हुए 1, 2 एंड 3। सेम स्टेप होगा जो कि हमारा नीचे से चल के आ रहा है और फिर यहाँ हम एक कम करेंगे, 1, 2 और 3। इसको नहीं लेके उसे लेंगे तो हमारा एक बॉक्स कम हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे करते जाना है और उसके बाद फिर ये पंखुड़ियों को बनाते जाना है, जैसा कि मैंने 2 लेयर में बताया है। ये देखिए हमारा लेयर ये तीनों कंप्लीट है और लास्ट लेयर हमारा बनेगा। इसमें मैंने ये पहले के जैसे बॉक्सेस बना रखे हैं, इसमें 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस कंप्लीट है हमारे। अब इसमें उसी तरह से पंखुड़ियाँ बनानी है जैसे मैंने पहले बताया है आपको। ये देखिए लास्ट टाइम हम ये डबल जो फंदा लेते थे नीचे वो नहीं लेना है हमें, बस सिंगल फंदा में ही बनाना है ताकि वो पंखुड़ी ऊपर का बहुत बड़ा ना दिखे। इसलिए ऊपर पंखुड़ियाँ अगर बड़ी दिखेंगी तो नीचे का शेप ख़राब दिखेगा, इसलिए हमें सिंगल फंदे में ही बनाना है ये। ये देखिए दूसरा बॉक्स भी रेडी होने वाला है हमारा। ये दूसरा बॉक्स रेडी हो चुका है, अब थर्ड एंड लास्ट बॉक्स में आएंगे हम लोग। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट बॉक्स है, सेम इसी प्रोसेस में हम इसे भी पूरा भरेंगे, इस बॉक्स को भी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम जहाँ से शुरू हुआ था उसी में इसे
लास्ट एंड करना है। और ये देखिए हमारा ये रोज़ बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बना है। अब इसे हम चाहे तो वुलन स्वेटर में लगाएं, शॉल में लगाएं, या फिर फ्रॉक में लगाएं, या ब्लाउज में लगाएं, जिसमें भी लगाएं, या टेबल क्लॉथ में भी आप लगा सकते हो। इस तरह से सेंटर में रखने के बाद देखिए यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चाहे इसे आप बॉर्डर बना सकते हो या कुछ भी इसे बना सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप चाहे इसे जैसे भी यूज़ करो, मैं इसे तोरण के लिए यूज़ करने वाली हूँ, तोरण बनाऊँगी। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, ये तोरण में मैं किस तरह से इसका उपयोग करूँगी, इसे भी मैं इसमें इस वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल उसके बाद फिर हम इसको एंड करते हुए ये देखिए हमारा रोज बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत सारे रोज को कंप्लीट कर रखा है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं आगे वीडियो में तोरण में यूज उपयोग करूंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।